हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज मैं आप लोग के साथ वेज पास्ता रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और हम इसको कुकर में बनाएंगे फ्रेंड। तो चलिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा लिया था और हमारा कुकर गर्म हो चुका था। तो अब हम इसमें तेल को ऐड करेंगे और हमारा ये देखिए तेल गर्म हो चुका था। तो मैंने इसमें सरसों के दाने का तड़का दिया है फ्रेंड, और बहुत ही टेस्टी लगता है इसका तड़का पास्ता में। और मैंने फ्रेंड मीठी नीम की पत्ती का तड़का दिया है। और ये देखिए प्याज और दो हरी मिर्च कट करके मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए अब हम प्याज को ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे अच्छे से फ्रेंड। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके थे, तो हमने अब टमाटर जो काट के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमारे टमाटर धीरे धीरे गलने लगे हैं। अब हम डालेंगे वेजिटेबल। ये मैंने पत्ता गोभी को कट कर लिया था फ्रेंड, और अब हम इसको डाल दिए और इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे फ्रेंड। इसमें हल्का सा हम नमक पहले से डाल देंगे जिससे कि ये जल्दी से पक जाए। और इसमें हम सारे मसाले जितने होते हैं उस सारे मसाले थोड़े थोड़े हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने हल्दी डाल दिया, थोड़े से धनिया पाउडर भी डालूंगी। और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसी समय डाल दूंगी फ्रेंड। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करके ये देखिए कितने अच्छे से सब मिक्स हो गए हैं। और इसको हम 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे जिससे कि हमारी सब्ज़ी पक जाए। और ये देखिए 2 मिनट हो चुका था फ्रेंड, तो हमारी सब्जियां हल्की पक चुकी थी। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन मटर को। ये देखिए हम इसमें अब ग्रीन मटर डालेंगे फ्रेंड। और वाकई फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाली है हमारी ये वेज पास्ता रेसिपी। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी फ्रेंड, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड। मेरे पास जो भी वेजिटेबल था फ्रेंड मैं उसका ही यूज किया, आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप डाल सकते हो फ्रेंड। और ये देखिए मैंने डाला इसमें अब पास्ता। मैंने पास्ता को एक पानी से धो लिया था और फ्रेंड हमारे पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपके थे क्योंकि हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, तो जिससे ये चिपकेंगे नहीं। और ये देखिए मैंने अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने इतने पास्ता में फ्रेंड 2.5 गिलास पानी का यूज किया था फ्रेंड, और बहुत ही अच्छे बने थे। ये देखिए आप अपने अंदाज से पानी डाल सकते हैं फ्रेंड, और कुकर में बनेगा तो थोड़ा कम ही पानी डालिएगा। और कुकर में बनाने से फ्रेंड एक बेनिफिट ये भी रहता है कि मसाले ना अच्छे से पास्ता में मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए मैंने पास्ता मसाला यूज किया है फ्रेंड, और मैं 2 पैकेट यूज करूँगी फ्रेंड। और ये मसाला पास्ता डालने से बहुत ही टेस्टी बना था, आप ज़रूर यूज करिएगा फ्रेंड। ये मैंने दूसरा मसाला भी डाल दिया है पास्ता का, और अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें 2 सीटी आने तक पकाऊंगी फ्रेंड। और मसाले बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाते हैं पास्ता में। ये देखिए 1 सीटी आ चुकी है।
और ये हमारी दूसरी सीटी भी आ गई फ्रेंड। अब मैं गैस को बंद कर दी थी और ये देखिए ठंडा होने के बाद मैंने जब कुकर खोला तो हमारे पास्ता लगभग रेडी थे। और इसको 2 मिनट खाली रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे तो ये पानी ऑटोमेटिक सूख जाएगा। ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे, और मैं ऊपर से धनिया पत्ती डाल दूंगी। और खाने में वाकई फ्रेंड बहुत ही अच्छे बने थे, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड आपको अगर मेरा ये पास्ता रेसिपी, वेज पास्ता रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपके पास पहले उसका नोटिस पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।